नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बलिया रसरा स्थानीय मथुरा स्नाकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में शनिवार को छात्र संघ सत्र 2019-20 का उद्घाटन समारोह का आयोजित किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल रहे। उद्घाटन समारोह के प्रारंभ में मुख्य अतिथि ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व शिलापट से पर्दा हटाकर छात्र संघ का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अपने उद्बोधन में अध्यक्ष श्री पटेल ने कहा कि छात्र संघ राजनीति की नर्सरी है, यहीं से निकले बच्चे आगे चलकर देश के मंत्री, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार समाज में नफरत फैलाकर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसे आज के नौजवान ही इसे रोक सकते हैं। कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत खराब है, नफरत के सहारे राज करने वाले उद्योगपतियों के हित को ध्यान में रखकर चलने वाली भाजपा की सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार किसानों को धोखा दे रही है। पिछले 70 सालों से उद्योगपतियों को अपना उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने का तो अधिकार है, लेकिन अन्नदाता किसान को अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। पेशे बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। और 2022 के आगाज को विलंब किया, इसकी वजह से मैं आपके बीच में थोड़ा विलंब से आया, लेकिन बलिया का माहौल जिस तरीके का गर्म है, जो जनता में करंट है, उससे साबित होता है कि बलिया की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी जीते। जीत का सिलसिला हमारे छात्र संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने शुरू किया। अभी पहले मैं दादर महाविद्यालय के छात्र संघ उद्घाटन समारोह में था, वहां पर हमारा एक नौजवान साइनी समाज का जो अनिकेत यहां भी आया हुआ है, उनके भी मैंने छात्र संघ का उद्घाटन किया, वो भी उपस्थित है। उसको भी इसी कार्यक्रम में समाहित करते हुए उन्हें तो बधाई देता ही हूं, साथ साथ इस मथुरा महाविद्यालय के नव निर्वाचित छात्र संघ के अध्यक्ष श्री आनंद यादव का, उपाध्यक्ष श्री नियाज अहमद जी का, महामंत्री श्री ईश्वर नारायण भारती का, और हमारे देश की किसानों की माली हालत, मजदूरों की माली हालत, गांव में रहने वाले लोगों की माली हालत, छोटे छोटे कुटीर उद्योग करने वाले लोगों की माली हालत लगातार गिरती जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। समाजवादी महापुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नारे के साथ समाजवादी पार्टी ने आर्थिक गैर बराबरी के लिए, आज सामाजिक गैर बराबरी के लिए 70 साल से लड़ाई छेड़ी है, लेकिन आज भी इसी उत्तर प्रदेश में, इसी हिंदुस्तान में सामाजिक गैर बराबरी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बढ़ाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार दलितों का, पिछड़ों का, समाज के कमजोर लोगों का, अकलियत के भाइयों का, और समाज में और गरीबी के रेखा के नीचे वाले लोगों का जिस तरीके का अपमान हो रहा है, इस पर हम समाजवादी लोगों को, नौजवानों को, छात्रों को चिंता करनी चाहिए, और चिंता करके भारत के अंदर इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान खतरे में, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। आप हमसे बेहतर जानते हो, आप बागी बलिया के हो, आपका जिला आजादी अनाउंस होने के पहले आजाद हुआ, हम लोग प्रेरणा पाते हैं आपके जिले से, ये प्रदेश के एक छोर में है, बिहार की धरती से लगा हुआ है, यहाँ से लगभग 1100 किलोमीटर के ऊपर दिल्ली है, आज दिल्ली जल रही है, दिल्ली जल रही है, जिस दिल्ली का नेतृत्व, जलती हुई दिल्ली का नेतृत्व चंद्रशेखर जी ने किया था, और भारत में जिस तरीके से आग लगाने वाली शक्तियां उस समय भी उन्माद पैदा कर रही थी, उनको ठंडा करने का काम समाजवादी नेता चंद्रशेखर और धरती पुत्र मानी मुलायम सिंह यादव ने किया। मानी मुलायम सिंह यादव ने जब सामाजिक समरसता की बात की, मानी मुलायम सिंह यादव ने जब सामाजिक न्याय की बात की, मानी मुलायम सिंह यादव ने जब गैर बराबरी की बात की, जब गरीबों को देना शुरू किया, यही पूंजीवादी ताकते उस समय भी याद दिलाना चाहता हूं, उस समय भी इसी तरीके का माहौल पैदा कर दिया।